जब होना होगा ना हो जाएगा। सब लोग इतना पीछे क्यों पड़े रहते हैं? What? Oh my God! Finally. कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बढ़िया खुशखबरी दी है। ये लो लड्डू गोपाल, इन्हें बेटा हमेशा अपने पास रखना, बच्चा इनके जैसा ही होगा। चलो अपना ख्याल रखना। ये लो बेटा प्रसाद। लोग मंदिर गया था गोलू मिलने के बाद, वो डीविंग वाले खन्ना जी है ना, बड़ा रोप झाड़ते हैं पार्क में। एक साल बाद हम भी अपना पोता लेकर जाएंगे तो बराबर की टक्कर होगी। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, इसका छोटा भाई आ जाएगा, मजा आएगा। कैसी बातें कर रहे हैं, आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? 5 साल से काम कर रहे हैं साथ में। सर, आपने आपने समर से बात की? आपने समर से? सर, फ्राइडे इवनिंग को मैंने खुद ही रिपोर्ट, फ्राइडे क्या चाहिए? फ्राइडे इवनिंग को 4:30 को रिपोर्ट भेजा है सर मैंने। सर आपको सेल्स रिपोर्ट चाहिए ना? मैं आपको रिपोर्ट चाहिए ना? क्या चाहिए? सर आपको रिपोर्ट चाहिए ना? क्या चाहिए? 5 मिनट में आपके पास आ रही है, ठीक है? नहीं नहीं, आपका ईमेल आईडी मेरे पास है। ईमेल आईडी मेरे पास है सर, मैं भेजता हूँ, ठीक है? लड़का या लड़की? आई आस्क, लड़का या लड़की? लड़का। ये क्या सुबह से सब लोगों ने लड़का लड़का लगा के रखा हुआ है? जिसको देखो सबको लड़का ही चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा को, मेरे मम्मी पापा को, दीदी को, जिसको देखो सबको लड़का चाहिए। मुझे लगा कम से कम तुम तो लड़की बोलोगे, लेकिन नहीं, तुम भी सबके जैसे निकले। एक सिर्फ मैं ही हूं जिसको लड़की चाहिए। बातें कितनी भी कर लो, वुमेन एम्पावरमेंट, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी वगैरह वगैरह, बट किसी को भी लड़की नहीं चाहिए। तो फिर क्या दिखावा है ये आसपास सोसाइटी में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डॉटर्स आर एंजल, ये स्कीम वो स्कीम, ऑल बुलशिट। किसी को भी लड़की नहीं चाहिए। एक सिर्फ मैं ही हूं यहां जिसको लड़की चाहिए। तुमने मुझसे क्या पूछा था? रिपीट द क्वेश्चन। तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? और मैंने क्या कहा? लड़का। तुमने मुझे दो चॉइस क्यों दी? क्योंकि दो ही होती हैं। Exactly. This is what choice means, right? तो लड़का चूज करने का मतलब ये कैसे हो गया कि मैं लड़की नहीं चाहता? ये फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में जो भी वुमेन स्टफ जो चल रहा है ना, उससे एक बार बाहर निकल के देखो। शायद किसी की ओरिजिनल चॉइस भी लड़का हो सकती है। प्रॉब्लम ये है, यू हैव टू मच इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड अबाउट ऑल दिस वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, डाइवर्सिटी। टीवी में, न्यूज़ में, सीरियल्स में, हर जगह यही दिखाया जाता है।
हर कोई यही कहता है कि लड़का चाहिए, और फिर उसको बनाते हैं कि लड़की नहीं चाहिए क्योंकि लड़का चाहिए। कभी इसका कभी दूसरा पर्सपेक्टिव देखा है? कभी भी कहीं भी किसी भी जगह आज तक? अपने मम्मी पापा को छोड़ो, मेरे मम्मी पापा को भी छोड़ो, दीदी भैया सबको जाने दो। मुझे तो जानती हो ना, इन एंड आउट सालों से। क्या तुम्हें लगता है ऐसा? डू आई लुक लाइक अ मेल शॉविनिस्ट? या मैं आई हेट टू बी अ फादर ऑफ अ बेबी गर्ल? यार जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उससे भी करूँगा, हाउ डज इट मैटर लड़का है या लड़की? लेकिन लड़का चूज करने के साथ ये लाइन क्यों लगाई जाती है, ये लड़का चाहता है, इसका मतलब है लड़की नहीं चाहता। और रही बात पेरेंट्स की, तो ज़माने से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। जब भी कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है तो बड़े बुजुर्ग ऐसे ही बोलते हैं, कन्हैया आ रहा है, छोटा भाई आ रहा है, वगैरह वगैरह। कभी किसी को कहते सुना है राधा आ रही है या सीता आ रही है? ये सब शब्दों का खेल है। मैं मानता हूँ कि आज भी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सबका माइंड सेट ऐसा है कि लोग लड़का ही चाहते हैं, लेकिन हम सबको एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकते। कुछ होंगे उनमें से भी ऐसे जिनका कोई मतलब नहीं होगा इस बात से, बट सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। अब देखो, सुबह से ये सब चल रहा था, मैं आया, तुम भरी बैठी थी, और तुमने ये सब मुझे भी उन लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया। एक बार अपने सारे प्री कंसीव नोशंस हटा के देखो, शायद किसी की ओरिजिनल चॉइस भी लड़का हो सकती है। कॉफी पियोगे? हाँ। केसर डाल के लाऊंगा। क्यों? लड़का गोरा पैदा होगा। और 9 महीने बाद लड़की ही आई। हर्षिता अब सोशल मीडिया की बातों पर उतना ही ध्यान देती है जितना देना चाहिए। आप शायद समझ गए, दादी पोती की शक्ल देखे बिना सुबह की चाय भी नहीं पीती, और दादाजी वो तो उसके चलने का इंतज़ार अभी से करने लगे हैं। अरे भाई, वो खन्ना साहब के पोते के साथ कॉम्पिटिशन करने भी तो जाना है।